हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लांटर्स जॉय विद दोलोन। चलिए आज बात करते हैं प्रोपेगेशन की। काफ़ी सारे तरीके होते हैं मगर आज का टॉपिक है वाटर प्रोपेगेशन, जिसे हाइड्रोपोनिक वे भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप कोई कटिंग ले तो उसमें कम से कम दो नोड्स होने चाहिए, जिससे कि रूट डेवलपमेंट में मदद मिले पौधे को। नेक्स्ट, 3 से 5 दिन के इंटरवल में आप पानी बदलें, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन लेवल कंसिस्टेंटली मेंटेन रहे। पानी बदलते वक्त रूम टेम्परेचर वाटर का इस्तेमाल कीजिए। कंटेनर आपका कोई भी हो सकता है, ग्लास का या प्लास्टिक का, मैंने प्लास्टिक का लिया है। कंटेनर को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर उसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिले। बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। रूट डेवलपमेंट के लिए लाइट का मिलना आपके पौधों को बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। दैट्स माय 1 मिनट।